प्रदेश सरकार के ग्रामोद्योग विभाग और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के हस्तशिल्प प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह में देश के जाने माने वरिष्ठ और हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये सम्मान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों दिया गया। यह पहला अवसर है जब राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार वितरण के लिए प्रदेश की राजधानी रायपुर में समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विशेष आग्रह पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने यह आयोजन रायपुर में करने का निर्णय लिया था। कपड़ा मंत्रालय की ओर से इस अवसर पर वर्ष 2016 के सिद्ध हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। आयोजन में 8 शिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार और 25 शिल्पियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिल्प गुरु पुरस्कार की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। पुरस्कार के रूप में 2,00,000 रुपए नगद और एक स्वर्ण सिक्के के साथ शॉल प्रमाण पत्र और तामपत्र दिए गए। जिन शिल्पकारों को वर्ष 2016 का शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया उनमें दिल्ली के मोहम्मद मतलूब, जम्मू कश्मीर के गुलाम हैदर मिर्जा, ओडिशा के रूपा मथरू, पंजाब के गोपाल सैनी, राजस्थान के अर्जुन प्रजापति और बाबूलाल मोरोटिया, पश्चिम बंगाल की तृप्ति मुखर्जी शामिल हैं। विविध प्रांतों से देश के सभी सम्मानित शिल्पकार आज छत्तीसगढ़ पधारे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ इनके प्रति, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में जो कार्यक्रम होता था उतने ही सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम होगा, ये जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन पे ये खरे उतरे हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने कितनी प्रगति की है उसका एक उदाहरण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें देखने को मिला है। भारत सरकार की ओर से सम्मानित सभी शिल्पियों को मैं एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कार और शिल्प गुरु अवार्ड प्राप्त करने के लिए अभिनंदन देती हूं, बहुत बहुत बधाई देती हूं। ऐसे कलाकार जिन्होंने पीढ़ियां खपा दी, जिन्होंने सैकड़ों हजारों साल के उस कला को जीवित रखा, अलग अलग वर्ष में एक एक यहां जो एग्जीबिशन में जो अपनी चित्र को कलाकृति लाए हैं, किसी ने 3 साल लगाया, किसी ने 4 साल लगाया, किसी ने मेटल पे काम किया, किसी ने बोन पे काम किया, किसी ने पेपर पे काम किया, कपड़े पे काम किया, अलग अलग माड़िक पे काम किया, मगर उसमें जो अद्भुत उनकी कलाकृति है जिसका कोई दाम नहीं लगा सकता, कीमत नहीं लगा सकता, उनको सिर्फ हम सम्मानित कर सकते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं। पीढ़ियों का हुनर इनके हाथ में है, चमत्कार के रूप में जो कला के रूप में उभर के आता है, और इनको ढूंढ निकालना निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ वस्त्र मंत्रालय को कि राष्ट्रीय स्तर में उनको हम सम्मानित करते हैं ताकि उन्हें मार्केट मिले, उनको बेहतर जीवन का अवसर मिले, और इसके लिए बहुत बड़ा काम वस्त्र मंत्रालय कर रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा स्मृति जी को। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1965 में की गई थी। ये पुरस्कार सिद्ध हस्तशिल्पियों को उनके शिल्प के संवर्धन और कौशल स्तर के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कारों में से प्रत्येक में 1,00,000 रुपए नगद, एक शॉल, एक प्रमाण पत्र और तामपत्र देने का प्रावधान है। देश टीवी के लिए एम कोरलिया की रिपोर्ट।